उसी ने इंसान को पैदा किया। इतना सुकून मिलता है सुबह सुबह क्रांता की तलावत चल रही हो और आपकी सुबह का आवाज़ हो और घर का काम काज आप स्टार्ट करें, बहुत ही सुकून मिलता है। वो भी सुरे रहमान जब चल रही हो तो वाकई खुदा की जो रहमानियत होती है ना उसका अंदाज़ा होता है कि देखें खुदा कितना रहमान और रहीम है, उसके पाक कलाम में कितना सुकून है। तो बस ये सुबह सुबह मैं अपनी मॉर्निंग जो है वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। आए देखते हैं आगे, सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखें मेरा किचन पूरा फुल है, पूरा काउंटर, क्योंकि रात को बर्तन धोए थे तो मैंने ड्राई करने के लिए रख दिए थे और असद को भेजा था स्कूल, तो ये पूरा बिखरा पड़ा था। यहाँ पे मोहम्मद सरार सो रहे थे, मैं उनको बस जगाने वाली थी थोड़ी देर में, तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, कमरे में सोए हुए हैं और थोड़ी देर में बस उठ के आने वाले हैं। हेलो बेबी, उठ गए फाइनली मोहम्मद सरार और टीवी देखने में बिजी है अपना। ये इनका लंच बन चुका है, सिर्फ केक और नूडल्स दे दूँ मैं से सरार को, और ये इसकी है वाटर बॉटल और ये बैग इसका यहाँ पर रेडी है। ये पूरा मुझे वापस आके समेटना है और ये मैंने अपने कपड़े प्रेस करके यहाँ पर रखे हैं, फिर आके ये मैं पूरा समेटूँगी घर को अंदर रूम को भी। तो बस यही है फ्रेंड्स, आज इशफाक के बगैर जो है वो अजीब सा फील हो रहा है। ये सारा हो रहा है इस तरह से गंदा, अब इसको हम मैजिक करते हैं। तड़ा, ये हो गया मैजिक। हमने बेडशीट्स लपेट ली, सॉरी ब्लैंकेट्स फोल्ड कर लिए और ये आ गए हैं मोहम्मद सलार। लाइट जा चुकी है, इनके स्कूल का टाइम हो रहा है। आ जाए मोहम्मद सलार, उठ जाए ना प्लीज, वी आर गेटिंग लेट बेबी। हरियप हरियप, उठ जाए, उठ जाए ना। आप डेली नहाते हैं आप? चले उठे हरियप, जल्दी करें बेबी। आपको पता है आज ग्रीन डे आपके स्कूल में, आज ग्रीन बलून्स लगाएंगी टीचर आपकी क्लास में और ग्रीन पेंट करवाएंगी आपसे, बहुत मजा आएगा। नहीं वो मैंने भेज दिए हैं स्कूल, ग्रीन बलून्स हैं आपके टीचर आपको दिखाएंगी, बहुत सारे बलून्स होंगे आपकी क्लास में, मजा आएगा बहुत आपको। आप उठे आ जाए, टीचर आ चुकी हैं आपकी क्लास में, वेट कर रही है, कह रही है जल्दी से मोहम्मद सलार को लाएं तो हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें। आ जाए, मैं आपको उठाती हूँ, बिस्मिल्लाह। हेलो मोहम्मद सलार, आर यू रेडी फॉर योर स्कूल? आर यू रेडी? यस यस गुड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आप लोगों के साथ। आज असल में मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा है, वैसे भी सुबह सुबह उठी हूँ लेकिन आज मुझे सलार को भी ड्रॉप करने जाना है। ये सलार रेडी हो चुके हैं यहाँ पर और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, ऐसे ही तैयार होते हैं सुबह सुबह, बच्चे को स्कूल छोड़ना है तो निकलते हैं स्कूल के लिए। वैसे तो इनको इशफाक छोड़ते हैं लेकिन आज मैं छोड़ने जा रही हूँ, उसके लिए मैं रीजन भी बाद में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों छोड़ने जा रही हूँ सलार को। ये सलार का बैग भी रेडी किया है मैंने और मोहम्मद सलार खुद भी रेडी हैं, तो आए चलते हैं मोहम्मद सलार के स्कूल और उनको ड्रॉप करके आते हैं। मे बी हम कुछ भूल तो नहीं रहे? ये सारा आपका बैग रेडी है, टाइम भी हो चुका है, चले आ जाए। क्या भूल गए? क्या ग्रीन ग्रीन वो फट गए थे? वो तो आपने दो खेलने में फाड़ दिए थे ना, बाकी दो आपके बैग में। चलें आप अपना बैग लें, गुड बॉय, चलें चलें चलें। आज सलार के स्कूल में ग्रीन डे है, लॉक करते हैं डोर। सलार वेट कीजिएगा मेरा, मम्मा अच्छा कह रहा है कि पुलिस वाले कहेंगे वहां पर सिक्योरिटी होती है तो वो कहेंगे कि मामा नो चलाओ, तो मैं आपके स्कूल अंदर सिर्फ आपको ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगी।
फ्रेंड्स, मोहम्मद सलार को मैं ड्रॉप करके आ चुकी हूँ। अब मैं जाती हूँ अंदर, लाइट भी आ चुकी है, और जाके मैं थोड़ा सा लंच की तैयारी करती हूँ, फिर दोबारा से मोहम्मद सलार को लेने जाना है। असद के लिए तो आज हमने रिक्शा लगवा लिया था। तो फ्रेंड्स, लाइट भी आ चुकी है और अब हम बंद करते हैं दरवाज़ा। तो जनाब, फाइनली मेरा किचन हो गया बिल्कुल साफ। ये देखा, मैंने काउंटर क्लीन कर दिया, ये मैंने चावल निकाल दिए बाहर, तो उसको मैंने फ्रीजर में डाल दिया था, अभी मैंने उसको निकाल लिया है। और दोपहर में बस यही खाएंगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बच्चे ही हैं, तो हम क्या बनाएं ऐसा, तो बस इसी में से ही टाइम पास कर लेंगे। और ये किचन साफ हो गया मेरा, ये टेबल भरा हुआ था, टेबल को भी मैंने समेट लिया, उसको भी साफ कर लिया, रैक को, और ये भी मैंने रूम साफ कर लिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर चीज़ अपनी जगह। अच्छा, ये टॉयज ना इनके यहाँ पे पड़े रहते हैं, क्योंकि ये लोग इससे खेलते हैं लाजमी डेली, अगर मैं रख भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो मैंने इनको यहीं पर छोड़ दिया। मैंने कहा चलो यहीं पर पड़े रहें, तो बस यही है, इस तरह से ये मैंने साफ़ किया। अभी टाइम जो हो रहा है वो 10 बजने वाले हैं, तो हम लोग जाएंगे तकरीबन 11:15 बजे यहाँ से निकलेंगे और मोहम्मद सलार को पिक करेंगे। और मुझे फिर से भूख लगी थी, मैंने चाय पी थी सुबह सिर्फ, और अभी मेरा दिल कर रहा था मैं फिर से चाय बनाऊँ, तो मैंने एक बार फिर से चाय बनाई अपने लिए। ये उबल उबल रही है चाय, इसके अंदर मुझे ये बन गई मेरी चाय, गर्मा गर्म चाय, स्मोक निकल रहा है चाय का, टन टना। अभी हम एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ करते हैं यहाँ से, आपने ये देखा है मेरी किचन का आर फैमिली रेसिपी। फ्रेंड्स, तो मेरा टी ब्रेक खत्म हो चुका है, और बीच में थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया था, ताकि जब तक मोहम्मद सलार को लेने का टाइम हो जाए। अब मोहम्मद सलार को लेने जा रही हूँ मैं, टाइम हो चुका है, 11 बजे उसका ऑफ होता है, और तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे लगेंगे स्कूल तक पहुँचने में बाय वॉक, क्योंकि स्कूल बहुत करीब है। अशफाक होते हैं तो वो तो खुद ले आते हैं गाड़ी पे, लेकिन अब मुझे खुद जाना है, तो चलते हैं। ये देखें, ये मोहम्मद सलार जा रहे हैं घर, चलें, नहीं टच करें, मैली गाड़ी है, गंदी मैली हो रही है। इधर देखें, ये हमारी कॉलोनी के बाहर का साइड है, और ये मोहम्मद सलार जा रहे हैं, स्कूल में बहुत रो रहे थे। इधर देखें मोमी, ये हमारे मोहम्मद सलार हैं। फ्रेंड्स, जब मैं इसे लेने गई ना तो ये बहुत रो रहा था, अब ये खुद अकेला जा रहा है, इसका बैग मेरे पास है, ये देखें, ये मैं लेके जा रही हूँ इसका बैग। क्या हुआ, ये क्या क्या पहनाया टीचर ने आपको, क्या बना के दिए, ये क्या है, टर्टल ग्रीन डी, हाँ पहनने ऐसे, गुड बॉय, नाउ लुक एट मी, ध्यान से ध्यान से, गाड़ी आ रही है, साइड पे चला, साइड पे चला, साइड पे चला, चला। ये दाखिल हो चुके हैं घर में, हाँ टेक आउट योर शूज बेबी, नहीं क्या हो गया आज, हर बात पे ना ना कर रहे हैं, चलें निकालें जूते अपने, क्या बना हुआ है ये। हेलो असद, आप स्कूल से आ गए वापस है ना, इधर दिखाएं ये आपको क्या मिला है, स्टार दिया है टीचर ने, है ना, ग्रीन डे बनाया था आपने, बलून्स भी फुलाए थे, क्या एक्टिविटी की थी क्लास में, ट्वाइस रखे थे, और ना ऑरेंज होगा ना, वो ऑरेंज वाला निंजा टर्टल देना। ओके, मैं ऑरेंज वाला निंजा टर्टल दूंगी आपको। फ्रेंड्स, असद के साथ ना एक सीन हुआ है, असद को स्कूल में वॉशरूम जाना था, लेकिन ये डर की वजह से पता नहीं क्यों टीचर को नहीं बता पाए, एक बार बताया फिर उन्होंने दूसरी बार जाना था, पेट खराब था बेबी का, तो ये बहुत रोता हुआ आया, इस वजह से मैं इसका व्लॉग नहीं शूट कर पाई उस टाइम जब ये स्कूल से आया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा बेबी इतना सफ़र किया और इस गुड्डे ने इतना रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ था, है ना। आइंदा ऐसे नहीं करना है, आपने परेशान नहीं होना है, अगर वॉशरूम आए तो आपने टीचर को बताना है कि वॉशरूम जाना है, ठीक है। निकाल के पॉइंट्स के साथ खेल रहे, अमीर है। और असद ने क्या किया है, जैसे सलार अपना लंच बॉक्स वापस लाया था ना, सेम असद ने भी फ्रेंड्स वही किया है, ये देखा, ये असद का लंच बॉक्स था, ये सारा इसने ऐसे किया है टेंशन में। और तो फ्रेंड्स, आज सारी चीज़ें मुझे अकेले मैनेज करनी पड़ी, जैसे सुबह से आपने देखा कि असद को लेने के लिए भी हमारे नेबर के हैं एक भाई, वो आए थे लेने के लिए असद को स्कूल, उन्होंने ड्रॉप किया, फिर पिक करने के लिए भी वही गए थे, क्योंकि असद की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है सलार से, असद ज़्यादा देर बैठते हैं,
और सैलार की जल्दी छुट्टी हो जाती है, 9 से लेके 11 बजे तक उसकी टाइमिंग होती है, तो सैलार को मैं ही गई थी पिक करने के लिए क्योंकि कोई और ऑप्शन था नहीं। अशफाक को जाना पड़ा मजबूरन क्योंकि उनके कजन की डेथ हो गई है, तो एमरजेंसी में वो निकल गए। हम लोग इस वजह से नहीं जा पाए कि एक तो बच्चों का स्कूल था और दूसरा असद को फूड प्वाइजनिंग हुई भी थी, असद की तबीयत ठीक नहीं थी तो अच्छा नहीं था इतना लंबा ट्रैवल करवाती मैं बच्चे को, अल्लाह ना करे और तबीयत खराब हो जाए क्या, तो फिर ख्याल रखना पड़ता है इस चीज का। तो बस आज मुझे एहसास हुआ है कि अशफाक के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती और जो भी चीजें मेरी होती हैं डेफिनेटली मैं उसी पर डिपेंडेंट हूँ, वही मेरी हेल्प कर रहा होता है हर तरह से, घर के काम में, बाहर भी, हर जगह। तो क्योंकि लाइफ पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इसी तरह से होते हैं कि एक दूसरे की आपको हेल्प चाहिए होती है। तो बस मैंने आज उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया है और अभी मेरे लिए आगे ये इम्तहान है कि मुझे 3 रातें स्पेंड करनी है, पता नहीं कल आएंगे परसों वापस आएंगे कब आएंगे कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे घर में अकेले रात के टाइम मुझे बहुत डर लगता है, दिन का टाइम निकल जाता है लेकिन रात का टाइम स्पेंड करना ना बहुत मुश्किल होता है 2 बच्चों के साथ अकेले बिल्कुल। चले अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा कि अच्छे से टाइम गुजर जाए सुकून से। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो कि कितना मुश्किल है आपको मैनेज करना अकेले इन सारी चीज़ों को। तो बस फ्रेंड्स दुआ कीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर न्यू है आप तो प्लीज फिर तो आपको सब्सक्राइब करना बनता ही है और साथ में मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, इफ पॉसिबल तो शेयर भी कर दें, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। और ये आपकी सपोर्ट चाहिए, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।